गुड मॉर्निंग क्लास। सो लेट्स वेलकम टुगेदर द क्लास 11th। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल केमिस्ट्री एज यू ऑल नो। सो आवर फर्स्ट चैप्टर विल बी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज ऑल्सो गिवन इन सम बुक्स विद द नेम ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपने 9th में ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम यहाँ फिर से पढ़ेंगे। आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है, चैप्टर 1 से डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर बार नहीं आता, लेकिन हाँ अगर चैप्टर 1 नहीं आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आगे के 5-6 चैप्टर्स ऐसे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ये चैप्टर इसलिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि बिना इसके आप बाकी चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो चैप्टर 1 हम बहुत ही आराम से पढ़ते चलेंगे और पूरी 11th की केमिस्ट्री आपको याद रखना है। हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ समझते हुए चलेंगे। हमें कम याद रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें समझ में सभी बातें आनी चाहिए। बात क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। आपको डेली का डेली होमवर्क करना है। जब हम कहेंगे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, गलत होगा कोई इशू नहीं है। हम क्वेश्चन भी देंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर भी यहीं पे आपको देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करने के बाद वेरीफाई भी कर सके कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर यहाँ कोई मिस्टेक हो रही है या कन्फ्यूजन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें अपडेट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएं तो उसमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक बात और, सब कुछ केमिस्ट्री की एक नोट होगी, उसी नोटबुक पे करना है। कोई प्रॉपर रफ नोटबुक नहीं होगी, कोई अलग से फेयर कॉपी नहीं होगी, एक ही नोटबुक रहेगी जिस पे जैसे हम नोट्स आपको दिखाएंगे पीडीएफ वर्क में, वैसे ही आपको पीडीएफ वर्क में कंप्लीट करते रहना है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ क्या आपको लगभग आधे से ज़्यादा याद ही होंगे एटॉमिक मास। अगर नहीं याद है तो आपको याद होने चाहिए, एक बार हम डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे आज के पूरे लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये याद रखना है। हम शायद सेकेंड टॉपिक या थर्ड टॉपिक में इसका यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ कहाँ से आ रही है, बात में समझ में आ रही है? यानी कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल दिए गए हैं प्लस उनके एटॉमिक मास। हमें जो याद रखना है वो क्या है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या है आगे तभी पढ़ेंगे हम, फिर भी आप इतना जानते रहिए। एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम। किसी भी एक एटम की जो मास होता है ना, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। देखिए फर्स्ट एल्यूमिनियम 27, आर्गन 39.9, जिसको हम कितना लेके चलेंगे 40। आप अपने नोटबुक में 39.9 की जगह पे क्या नोट करिएगा 40, क्योंकि हम हर बार इसको 40 लिखेंगे। बेरिलियम 9.01 नहीं, हम क्या लिखेंगे 9। बोरॉन वी विल टेक इट एज 11। कैल्शियम 40, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5। आप इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे और एज इट इज याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्लोरीन का जो वैल्यू होती है दैट इज 35.45। कितना होता है 35.45, दिस इज द एग्जैक्ट वन। ये इसको राउंड ऑफ करके ही लिखा गया 35.5। नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन 19, हीलियम 4, हाइड्रोजन 1.008, दैट विल बी टेकन एज 1। आयोडीन 126.9, जिसको हम कितना लेके चलेंगे 127। आयोडीन 127। आयरन 55.8, हाँ कितना लेंगे, गुड 56। कितना लेंगे 56। लेड 207.2, यानी कि हम इसको कितना लेके चलेंगे 207। लिथियम सिर्फ 7,
मैग्नीशियम 24, नियॉन 20, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फास्फोरस 31, पोटेशियम इसको भी हम कितना लेके चलेंगे 39, सिलिकॉन 28, देन आफ्टर सिल्वर 108, सोडियम 23, सल्फर 32.1 है लेकिन हम कितना लेंगे 32, यूरेनियम 238, जिंक 65.4, इसको हम कितना लेके चलेंगे 65.5 या 65.4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 65.5 लिख सकते हैं। तो ये आपको वैल्यू एज इट इज माइंड में रखना है, कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके सो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्लो तो नहीं रहेंगे लेकिन हाँ बेसिक पूरा कवर करते चलेंगे हम। सो पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन अलोंग विद ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज इट मींस, हम जब भी मैटर के बारे में पढ़ेंगे या मैटर किससे बना इसके बारे में पढ़ेंगे या फिर इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे हमें मैटर में सॉलिड भी मिलते हैं, लिक्विड भी मिलते हैं, गैस भी मिलते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड होना, ये जो चीज़ें हैं दिस प्रोसेस आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। आयंस का बनना यानी कि चार्ज आना, कोई भी एटम लेते हैं वो न्यूट्रल होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने से या डोनेट करने की वजह से उनके ऊपर चार्ज आता है। ये सारी चीज़ें के बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं, जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। What is chemistry? It is the branch of science that deals with the study of matter, its composition, along with its transformation. Clear है? Okay. So now we are going to discuss importance of chemistry. So the next point is, what is the importance of chemistry? Chemistry play an important role in our life. हमारे daily life में chemistry का बहुत use है। सबसे ज़्यादा use कोई बता सकता है? हाँ अच्छा सोचा आपने, सबसे ज्यादा यूज कहाँ है? मेडिसिंस में, राइट? गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके सो वी वर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? यस मेडिसिंस। मैक्सिमम मेडिसिंस आर मेड अप ऑफ ड्रग्स। हाँ जनरली हम तो यही जानते हैं कि ड्रग्स आर हार्मफुल। नो, ऑल द ड्रग्स आर नॉट हार्मफुल। Some drugs are dangerous and there are so many drugs which are very important in the manufacturing of medicines. So drugs are also helpful. So chemical principles are important in a plethora of areas such as weather patterns, functioning of brain and operation. Plethora means ek range hota hai, bahut sare jagahon par. In a wide range of our daily life we are using chemistry. क्लियर है? जैसे में हमारे ब्रेन से रिलेटेड, ऑपरेशन रिलेटेड एंड इवन की वेदर के पैटर्न्स। हाँ हमें वेदर फॉरकास्टिंग में भी केमिस्ट्री की यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज केमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड्स। सेकंड प्लीज। ओके सो केमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एसिड्स, अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं? यस दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नोन एज अल्कलीज। सॉल्ट्स, डाई, डाई वो जो कलर होता है ना, हाँ हेयर कलर। ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलोएज, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स, अगर सारे नाम लिखने लगे तो शायद महीनों तक एक ही काम चलता रहेगा, हमारी टॉपिक फिनिश नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स जानते हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द पेस्ट।
इंसेक्ट्स और पेस्ट को किल करने वालों को हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें याद रखनी है, दैट इज व्हाट, सम लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, दीज आर द नेम ऑफ टू ड्रग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो सम लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। यानी कि अगर हमें कैंसर हुआ है, कैंसर इज अ मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज, देन वी यूज दीज टू ड्रग्स एंड दीज टू ड्रग्स आर वेरी हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट। दीज आर सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल एंड AZT, इट इज अजाइडोथाइमिडाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज अजाइडोथाइमिडाइन। दिस इज यूज इन हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स। विक्टिम्स मीन्स पेशेंट्स। यस, आपने बायोलॉजी में एड्स वगैरह के बारे में पढ़ रखा है। यस, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरी डेंजरस डिजीज। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स वी यूज AZT, इट इज द नेम ऑफ अ ड्रग विच मीन्स अजाइडोथाइमिडाइन। सो इट इज ऑल्सो बींग यूज फॉर द ट्रीटमेंट। दीज हैव बीन आइसोलेटेड। ये जो ड्रग्स हैं कौन कौन से, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल एंड AZT, दे हैव बीन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स दे हैव बीन अचीव्ड। हम इनको पाते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ से? नेचर से, या सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड मीन्स दे आर मैन मेड, या फिर हम फैक्ट्री में भी इनको हम बना सकते हैं। क्लियर है? सो हमें जो याद रखना है, दैट इज द नेम ऑफ दीज थ्री ड्रग्स। व्हाट आर दोज? सिस्प्लेटिन, टैक्सोल एंड AZT, अजाइडोथाइमिडाइन। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड AZT, अजाइडोथाइमिडाइन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज मैटर। यस, सबको पता है। ओके, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी जगह घेरता है, दैट इज नोन एज मैटर। फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर, दिस इज द व्हाइट बोर्ड मार्कर, सॉफ्ट बोर्ड मार्कर, ऑल दीज टाइप ऑफ मार्कर्स आर नोन एज मैटर। क्या ये बोर्ड मैटर है? यस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि ये दीवार में इतनी जगह कवर करता है, जगह करता है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैटर। वी ह्यूमंस, हम लोग मैटर है या नहीं है? यस, वी ऑल आर मैटर्स बिकॉज वी ऑक्यूपाई स्पेस। हम जगह घेरते हैं ना, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो क्या आप किसी और को मेरी जगह पर लाके खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा। इट मीन्स आई एम ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, सो दैट्स वाई आई एम अ मैटर। नाउ एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज मैटर और नॉट? एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है ना? यस, एयर हैज मास। यस, सो एयर इज मैटर। नाउ फ्रेंडशिप, दोस्ती, दिस इज अ काइंड ऑफ मैटर और नॉट? नो, दिस इज नॉट अ मैटर बिकॉज फ्रेंडशिप इज अ काइंड ऑफ फीलिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, विच डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज नो मास। फ्रेंडशिप, दोस्ती एक टाइप की फीलिंग है जो कि रियल लाइफ में कहीं स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, इसका कोई मास नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ मैटर। क्लियर है? लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका भी कोई मास नहीं होता, इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, सो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मैटर। क्लियर है? जनरली देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वी हैव रेड इन डिटेल अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ओनली, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। बट देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी इन पे बात हो रही है, अभी इन पे डेवलपमेंट चल रहा है, इसके बारे में कुछ खास जानकारी किसी को नहीं है। दे आर प्लाज्मा एंड BEC। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बात करें, देन ऑल द मैटर्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 जनरल कैटेगरीज, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। देन आफ्टर देयर आर 2 एक्स्ट्रा कैटेगरी,
दोज आर प्लाज्मा एंड बीईसी. ओके सो व्हाट इज प्लाज्मा एंड बीईसी? सॉलिड लिक्विड गैस सबको पता है. बस आपको सॉलिड लिक्विड गैस में एक चीज याद रखना हमेशा, इंटर पार्टिकल स्पेस. What you need to keep in your mind is solids have very less intermolecular space, very less intermolecular space. इसको कई बार interparticle space भी कहा जाता है. ये क्या होता है? किसी भी दो एटम के बीच का स्पेस. ये देखिए इन दो एटम्स के बीच में यहां पर जो हम रेड कलर से फील कर रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेस. स्पेस है ना, दिस स्पेस इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर पार्टिकल स्पेस. सॉलिड्स में बहुत ही कम होते हैं, लिक्विड में थोड़े ज्यादा होते हैं. आप देख सकते हैं ये जो गैप है, आई एम यूजिंग अनदर कलर. ये जो गैप है, दिस गैप इज मोर देन द गैप इन सॉलिड्स. So here the interparticle space was very less. Here the interparticle space is moderate. Moderate का मतलब ना ही ज़्यादा है ना ही कम. It means it has more intermolecular space as compared to solid. Solid के comparison में इसका intermolecular space ज़्यादा है, but it is having less intermolecular space as compared to gas. Gas particles are like this. अब देखिए इनके बीच का गैप इतना ज्यादा है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग गैस एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग सॉलिड. क्लियर है? हमको बस ये डायग्राम से याद रखना है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बिटवीन देम देयर इज सम स्पेस, दैट इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर पार्टिकल स्पेस. एंड दैट पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस इन सॉलिड, moderate in liquid and maximum in gas. Okay, so solid liquid gas की तो बात हो गई. then after it is given about plasma and BEC. plasma और BEC के बारे में आप बस इतना जानते रहिए that plasma you can get at super energetic mode. सुपर एनर्जेटिक और एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर. वेयर एज बीईसी फुल नेम इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. दिस इज सुपर कूल्ड, दिस इज सुपर कूल्ड और लीस्ट टेम्परेचर, जस्ट अपोजिट केस आप कह सकते हैं. इसके लिए एकदम हाई टेम्परेचर चाहिए और इसके लिए बिल्कुल ही लेस टेम्परेचर चाहिए. ये हमें प्लाज्मा जो है ज्यादातर कहां मिलता है? नियॉन साइन बल्ब्स. कहां पर? नियॉन साइन बल्ब्स या फिर CFL, आपने देखा होगा क्लोरो फ्लोरोसेंट लैंप जो घर पे लाइट यूज होती है CFL, उसमें यूज होता है. या फिर ये जनरली स्टार्स में लाई करते. क्यों? क्योंकि स्टार के यहां पर That is known as a round ball of fire, huge ball of fire. तो वहां पर temperature बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर plasma मिलना लाजमी है. And this is the reason why stars are more shinier. Plasma के होने की वजह से ही जो stars हैं they shine more brighter. तो generally आपने देखा होगा ना stars shine करते हैं, that is because of the presence of plasma. BEC क्या है? यहां पर तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, यहां पर टेम्परेचर बिल्कुल ही कम चाहिए. बस आप इतना जानते रहिए. ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज
सो मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस. व्हाट इज द फर्स्ट? प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं. कैसे? सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से. या फिर अगर पार्टिकल्स अलग अलग भी हैं तो उनकी जो मिलने की रेशियो होगी डैट विल बी अ फिक्स्ड. यानी कि अगर हमें दो एटम हाइड्रोजन लेना है तो एक एटम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा टू मेक अ वाटर मॉलिक्यूल. आप ये नहीं कह सकते हमने तीन एटम हाइड्रोजन ले लिया और एक एटम ऑक्सीजन. नो, दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस जनरली हम ये माइंड में रखते हैं कि जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बनते हैं. बट दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ये हमेशा ट्रू नहीं है. इट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द 90% टाइम, बट इन द 10% टाइम इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, बट देयर कॉम्बिनेशन शुड बी इन अ फिक्स्ड रेशियो. सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. जो प्योर नहीं होंगे वो सब क्या हैं? इम्प्योर सब्सटेंस है. सो अगेन प्योर सब्सटेंस आर कैटेगराइज इंटू टू पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मेडअप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ऑल द एलिमेंट्स आर मेडअप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. कंपाउंड्स, ऑल द कंपाउंड्स आर मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, बट इन अ केमिकली फिक्स्ड रेशियो. ये चीज आपको ध्यान रखना है. जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक से अलग अलग टाइप के एटम्स से मिलकर बनते हैं, लेकिन दे आर कंबाइंड इन अ केमिकली फिक्स्ड रेशियो. ऐसा नहीं है किसी को लाके कितना हो, एक कार्बन ला दिए एक ऑक्सीजन, या फिर चार कार्बन लेके आए दो ऑक्सीजन. ऐसा नहीं होगा. देयर कॉम्बिनेशन शुड बी फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक एटम कार्बन का तो दो एटम ऑक्सीजन का. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक एटम कार्बन तो दूसरा एटम ऑक्सीजन. ऐसा होना चाहिए. अगेन एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज दैट यू हैव रेड इन योर 10th स्टैंडर्ड, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. क्लियर है? नेक्स्ट, इम्प्योर सब्सटेंस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. होमो का मतलब तो सेम. ओके, सो दोज टाइप ऑफ मिक्सचर्स इन विच यू कैन गेट द सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम ऑर्डर इन द टोटल, इन द टोटल मिक्सचर, दैट इज नोन एज होमोजीनस मिक्सचर. होमो का मतलब ही हुआ एक ऐसा मिक्सचर बनाइए जिसमें कि हर एक जगह पे सेम चीज आपको मिले, दैट इज नोन एज होमोजीनस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. आपने थोड़ा सा सॉल्ट लेकर वाटर में मिक्स कर दिया. अब मिक्स करने के बाद आप ऊपर से एक स्पून वाटर निकालिए और नीचे से और बीच से आप तीनों को टेस्ट करिए, आपको तीनों का टेस्ट सेम मिलेगा. मिलता है ना? यस. इट मीन्स दैट द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन. पूरे सॉल्यूशन में जो मिक्सिंग हुई है बिल्कुल सेम हुई है और हर जगह हुई है. दैट्स वाई इट इज नोन एज होमोजीनस मिक्सचर. हेट्रोजीनस जस्ट अपोजिट होगा. हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट. अब आपने क्या किया, सैंड को लेके मिक्स कर दिया. किसमें? वाटर में. तो देखिए आपको दिखेगा कि ऊपर तो मिक्सिंग हो रही है, नीचे क्या हो रहा है, सैंड सेटल डाउन हो रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं. सो दैट टाइप इज नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सचर. देन आफ्टर हेट्रोजीनस मिक्सचर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन. ये सब कुछ आप 9th में पढ़ रखे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हम इसको नहीं दे सकते. क्लियर है? सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. So now we are going to discuss fundamental units. What are the fundamental units? There are some units which are very standard and basic, जो कि कभी भी change नहीं होते. They can't be changed anytime. They are known as fundamental units. There are total 7 fundamental units, जो हमारे syllabus chemistry के लिए है. That is only one, amount of substance. But थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं ताकि आगे के जब सब्जेक्ट्स में आपको ये मिले, अभी आपको फिजिक्स में भी ये चीज़ मिलेगी तो वहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी. ध्यान रहे ना केमिस्ट्री में ये पूरा रटने की ज़रूरत है ना फिजिक्स में पूरा रटने की ज़रूरत है. ये टेक्निकल डेफिनेशन हैं, बस एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपके माइंड में रहे. ये सारे डेफिनेशन आपके हायर स्टडीज में फिर से पढ़ाए जाएंगे और वहाँ एग्जैक्ट मतलब इसका समझाया जाएगा. तब तक एटलीस्ट
क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज मास, कितने हैं टोटल फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट वन इज मास, इट्स यूनिट इज किलोग्राम, हम सबकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। कैसे डिफाइन करेंगे वन किलोग्राम, सो वन किलोग्राम कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम, पीटी स्टैंड फॉर प्लैटिनम, आईआर स्टैंड फॉर इरिडियम, बोथ आर एलिमेंट्स। सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एन एयर टाइट जार एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इन सर्व फ्रांस। देखिए फ्रांस में जहां पे इसका सेंटर है, उस सेंटर में एक एयर टाइट कंटेनर में, यानी कुछ एक ऐसा कंटेनर होगा जो कि एयर टाइट है, जिसमें कहीं से भी आप एयर अंदर नहीं भेज सकते या फिर एयर अंदर नहीं जा सकता, उसे हम बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर। इस कंटेनर में एक सिलेंडर रखा हुआ है, दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम, ठीक है। इसी सिलेंडर को हमने मान लिया है कि मास ऑफ दिस सिलेंडर इज 1 किलोग्राम। अब मान लीजिए हमने किसी और चीज को मेजर किया, लेट से हमने अपने आप को मेजर किया, तो हमने यूज किया बीम बैलेंस, राइट। तो एक तरफ तो हम रखेंगे सिलेंडर, दूसरी तरफ हम खुद बैठ जाएंगे। मान लीजिए हमने यहां पे खुद हम बैठ गए और हमने यहां सिलेंडर रखना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि ऐसे मुझे कितने सिलेंडर चाहिए, लेट से 60 सिलेंडर्स चाहिए। तो बहुत सिंपल था, हम मान रखे थे कि यही सिलेंडर 1 किलोग्राम है, ये सिलेंडर को हमने मान रखा है कि दिस वन इज 1 किलोग्राम। तो आप बताइए मेरा मास कितना होगा, सिंपल है, कितना, 60 सिलेंडर यानी कि 60 किलोग्राम। अगर ये 50 सिलेंडर होता तो 50 किलोग्राम। तो एक है प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर बना के रखा गया है, कहां पर, फ्रांस के स्टैंडर्ड ब्यूरो में, वो भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, और उसके मास को हम मान के चलते हैं कि दैट इज 1 किलोग्राम, क्लियर है। अब इसी से हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, वेट बनाना शुरू कर दिया। वेट को क्या बोलते हैं, बटखरा बोलते हैं ना, बटखरा या बाट ऐसे कुछ बोलते हैं, जिसे हम वजन करते हैं। फिर इसी के मास के इक्वल इसको बनाया गया, फिर उसके मास से कंपेरिजन करके हमने ढेर सारा मास और वेट बना रखे हैं, क्लियर है। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो वहां पर भी हमने एक प्रोटोटाइप बना के रखा है, एक प्लेटिनम इरिडियम का छोटा सा सिलेंडर बना के रखा है, और हमने मान लिया है कि दिस मास इज 1 किलोग्राम। सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमारा सेकेंड वन इज सिलेंडर, नॉट सिलेंडर सॉरी लेंथ। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट इज लेंथ, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, एंड 1 मीटर कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458, इट इज दिस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अच्छा आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट, दैट इज किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसको मीटर बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वन, दिस इज रफ आइडिया, क्योंकि एग्जैक्ट वन अभी पीछे लिखा था 299 करके, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। दिस मीटर ऑफ द लेंथ कैन बी ऑक्यूपाइड इन 1 सेकेंड, यानी कि अगर हमारा लाइट की बात करें हम, तो 1 सेकेंड में ये इतना लेंथ कवर करेगा। इस विल बी 30,000 एंड 000। अब आप ये बताइए, अगर इस मीटर की जगह पे सिर्फ हमें 1 मीटर की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, इस नंबर को उठा के इधर लेके आएंगे, तो देखिए ये पार्ट ऊपर से कहां चला जाएगा, नीचे, यानी कि 1/1 में आ जाएगा ना,
ये वैल्यू राउंड अप करके लिखी गई है, जबकि ये वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट लिखी हुई है। तो यही चीज आती है, जब हम लाइट की स्पीड को कंपेरिजन करेंगे, यानी कि हम कहें कि इतने टाइम में अगर हम देखें कि लाइट कितनी दूर जाती है, तो वो जो लेंथ आएगी दैट विल बी नोन एज 1 मीटर। हम बोले ना, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बस देखते रहिए, सुनते रहिए और बाद में इसे भूल जाइएगा, हमारे ये किसी काम के नहीं है। बस एटलीस्ट दिया है तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। थर्ड वन इज टाइम, इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड, एंड 1 सेकेंड कैन बी डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 पीरियड्स ऑफ द रेडिएशंस करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द CGM-133 एटम। देखिए, जब हम CGM की बात करते हैं, जिसका मास कितना है 133, तो ये 1 ग्राउंड लेवल से सेकेंड लेवल पर, दिस इज नोन एज ग्राउंड लेवल, से जब ये सेकेंड लेवल पे जाता है तो जाते वक्त इतना रेडिएशंस जनरेट करता है। देखिए, यस, दिस इज द नंबर ऑफ रेडिएशंस जनरेटेड एंड दैट टाइम पीरियड इट हैज बीन टेकन, इतना रेडिएशंस जनरेट करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज 1 सेकेंड। आप ध्यान समझिए कि कोई भी एटम के ग्राउंड स्टेट से सेकेंड लेवल स्टेट में जाने के लिए इतनी करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी नोन एज 1 सेकेंड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। फोर्थ वन इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये हमारे सिलेबस का है, ये हमें आना चाहिए क्योंकि ये केमिस्ट्री में आपको हर बार हर जगह मिलेगा, तो इसकी डेफिनेशन आपको पूरी समझ में भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इट्स एसआई यूनिट इज मोल, हम क्या करते हैं मोल में मेजर करते हैं। 1 मोल का मतलब हो गया, जैसे आप बताइए 1 डजन का मतलब कितना होता है, 12 होता है ना, इन द सेम वे 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻³। दिस इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। आपको परेशान नहीं होना, अभी आगे हम डिटेल्स इस बारे में पढ़ेंगे, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आपने आपको बता दिए। तो 1 मोल का मतलब हुआ है इतना नंबर होना चाहिए। अगर मेरे पास 12 मार्कर हैं तो क्या हम कह सकते हैं दिस इज 1 डजन मार्कर, कह सकते हैं ना। इन द सेम वे अगर मेरे पास 6.022 × 10³ मार्कर होंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट इज 1 मोल मार्कर, उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल मार्कर कहेंगे। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज, ये क्या होती है अभी हम बताते हैं, एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। देखिए, अगर आपके पास 12 ग्राम C12 एटम है, अब C12 एटम क्या होता है, देखिए आइसोटोप्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सो कार्बन हैज 12, कार्बन हैज 13, कार्बन हैज 14, सो ऑल दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये सब के सब क्या हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसमें भी हम जिसके साथ डील करेंगे वो होगा कार्बन 12, यानी कि हम उस कार्बन को लेंगे जिसका एटॉमिक मास कितना है 12 है, इस कार्बन एटम का कितना मास होगा 13, इस कार्बन एटम का 14, लेकिन हम किसकी बात करेंगे हर बार, इस वाले एटम की, यानी कि जब हम कार्बन एटम की जिसका मास 12 है उसके 12 ग्राम एटम अगर हम ले लें, कितना 12 ग्राम, तो उसमें जितने एटम्स होंगे
उसमें जितने एटम्स होंगे, पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज वन मोल, दैट इज नोन एज वन मोल। और ये कितना होगा? 6.022 × 10³। तो वन मोल का मतलब समझ में आ गया, वन मोल वो सब्सटेंस है या वो पार्टिकल्स है। अब एलिमेंट्री इंटीज का मतलब समझ लीजिए, एलिमेंट्री इंटीज का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल यू कैन से एटम्स, यू कैन से मॉलिक्यूल्स, यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, कैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो जब हम इतने पार्टिकल्स का कलेक्शन कर लें, कितना? दिस नंबर, दैट इज नोन एज वन मोल, उसी को हम क्या कहेंगे? वन मोल कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो कि जनरली कुछ बुक्स में आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? सिर्फ टेम्परेचर लिखा हुआ मिलता है। एसआई यूनिट इज केल्विन, एंड वन केल्विन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ, देखिए आपको इतना तो याद ही होगा रिलेशन, कि जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करते हैं? 273, जो कि एग्जैक्ट लिखे तो कितना होता है? 273.15 समथिंग। तो कहीं पर आपको 273.15 मिल जाएगा, कहीं पर आपको 273.16 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी कि 1/ इस नंबर को लिखते हैं, तो जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन। वो किसको डिफाइन करती है? 1 केल्विन को डिफाइन करती है। देखिए कैसे, इट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16। अगर आप यहाँ पे 1/5 भी लिखते हैं तो भी सही है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। वैसे आपको आगे हमें लगता है 5 या 6 चैप्टर के बाद ये टॉपिक मिलेगा, अभी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे हम। फिर भी अगर आपको समझना है ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, आई थिंक लेक्चर नंबर 13, आप लेक्चर नंबर 13 चेक कर लीजिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12 में, वहाँ पे हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमने पढ़ा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, आप एक बार वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तब तक हम बता देते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। इट इज़ दैट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वह टेम्परेचर और प्रेशर है जिस पर आपको वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। हाँ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड अ प्रेशर यू कैन गेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों एक साथ आपको मिलेंगे, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। यानी कि जब आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को 273.16 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन। वो वैल्यू कितनी होती है? 1 केल्विन के इक्वल होती है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। दिस वन इज द 6th इलेक्ट्रिक करंट, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हाँ ये उससे थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आगे फिजिक्स में इसके डेफिनेशंस आप पढ़ते रहेंगे 12th के, हाँ जब 12th आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। देखिए क्या है, 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द करंट विच इफ मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक ये कंडक्टर हो गया, एक ये कंडक्टर हो गया, दोनों पैरेलल लिए गए, ये थोड़ा सा पैरेलल दिख नहीं रहा है बट आप मान चलेंगे ये दोनों पैरेलल है। इनका लेंथ कितना है? दैट इज इनफाइनाइट, इट मीन्स वी कैन नॉट मेजर। देन ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि उनके बीच का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आप ए लिखते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल। वो जीरो तो नहीं है, जीरो हो भी नहीं सकता, बट वो इतना कम है कि हम उसको जीरो मानकर इग्नोर कर देंगे।
एंड प्लेस्ड 1 meter अपार्ट इन वैक्यूम. अब वैक्यूम क्या है? वैक्यूम इज दैट प्लेस वेयर देयर इज नथिंग, इवन देयर इज नो एयर. ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर कुछ भी नहीं होता, यहां पर एयर भी नहीं होता. अगर हम वैक्यूम में ले जाकर 1 meter दूर रखें, हाउ मच? 1 meter, देन इट वुड प्रोड्यूस अ फोर्स इक्वल टू 2×10⁻⁷ N/m. तो हमें कितना फोर्स देगा? इतना फोर्स देगा, दैट इज नोन एज 1 ampere. उसी को हम क्या कहते हैं? 1 ampere कहते हैं. नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इट्स SI यूनिट इज कंडेला. व्हाट इज दिस? कंडेला. एंड इट विल बी रिटेन एज स्मॉल सी स्मॉल डी. वन कंडेला कैन बी डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब भी क्या होता है? कोई भी चीज जब ग्लो करती है तो उससे लाइट निकलती है ना, ब्राइटनेस. वो ब्राइटनेस कितनी ज्यादा होगी, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कंडेला यूनिट. इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540×10⁻½ Hz. यानी कि कोई भी एक सोर्स है, आप सन को ले सकते हैं, जहां से लाइट निकल रही है और उस लाइट से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस निकलती हैं. कितनी फ्रीक्वेंसी की? 540×10⁻½ Hz फ्रीक्वेंसी वाली. एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी. और उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी अमाउंट कितनी है? इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 W/hT. आपने पढ़ रखा होगा ना रेडियन एसटी रेडियन. यस. सो दिस इज द सेम थिंग. इतनी वैल्यू जो देती है दैट इज नोन एज 1 candela. ये तो रही ऐसी चीजें जो कि हमारे किसी काम की नहीं थी. इसमें जो काम का था वो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्या कहता है? यस, दैट सेज दैट इफ यू हैव टेकन 12 gram ऑफ कार्बन 12 atom, यानी कि आपने वो कार्बन आइसोटोप लिया है जिसका मास 12 होता है, उसके अगर 12 ग्राम आपने लिए तो उसमें जितने एटम्स होते हैं, ओके, दैट नंबर इज डिफाइंड एज 1 mole. और वो कितना होता है? 6.022×10⁻²³ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स में कौन कौन हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं. आयन्स में भी कैटायन्स भी हो सकते हैं और अनायन्स हो सकते हैं. कैटायन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज. अनायन्स क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज. अब जो हमारे काम का है वो ये है, SI प्रीफिक्सेस टेबल. इनको हम सब्सिडियरी यूनिट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सब्सिडियरी यूनिट्स. यानी कि हम इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं. जस्ट लाइक हम बोलते हैं नैनोमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम. तो ये जो किलो, हेक्टो, डेका, नैनो, ये सब जो वर्ड है ना, दीज आर नोन एज प्रीफिक्स. तो आपको पूरा नहीं रटना है, बस आपको करना क्या है? एक सीरीज याद करना है. देखिए, यहां से ऊपर जाते वक्त और वैसे यहां से नीचे जाते वक्त अब पैटर्न आपको एक मिलेगा. देखिए, पहले आपको लिखना है 10. यहां कुछ नहीं, यानी कि पावर 1 है. उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3. तो पहले तो 1, 2, 3 लगातार चलेंगे, उसके बाद 3 का गैप हो जाएगा. देखिए, 1, 2, 3, 3+3 6, 6+3 9, 9+3 12, 12+3 15, 15+3 18, 21, 24. एक पैटर्न मिल जाएगा. यानी बस आपको करना क्या है? ये याद रखना है, ये सीरीज याद होनी चाहिए. अगर आपको ये सीरीज याद है तो आपको ये रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप आराम से कर लेंगे. देखिए क्या है ये, योटा कैपिटल वाई, जेटा कैपिटल जेड, एक्सा कैपिटल ई, पेटा कैपिटल पी, टेरा कैपिटल टी, गीगा कैपिटल जी, मेगा कैपिटल एम, किलो के, हेक्टो एच, डेका डी ए, ऐसे करके डे सी डी, सेंटी सी. अब मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया, देखिए इसका यूज कैसे होता है. 1 yota liter, क्या पूछा गया हमसे? भाई 1 yota liter इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? तो आपको तुरंत याद आएगा ये नंबर. योटा मतलब 10⁻², देन यू विल बी सेइंग सर 10⁻²⁴ L. दिस इज द आंसर. अगर हमसे ये पूछ लिया जाए 5
पीटामीटर, फाइव पीटामीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल। देन बहुत सिंपल है, आप कहेंगे सर फाइव इंटू पीटा का रिलेशन कितना है, देखिए 10^15, सो 10^15 मीटर, ऐसे यूज करते हैं। समझ में आ गया है? चलिए अभी और एक एग्जांपल है नीचे, जब आप करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ऐसे आप नीचे का भी सीरीज देखिए, वन माइनस में, अब क्योंकि नेगेटिव में नीचे जा रहे हैं हम, तो वन टू थ्री, थ्री लगातार आएगा, फिर उसके बाद थ्री का गैप, सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन एंड 24। इसका मतलब नीचे का भी ये हमें सीरीज याद रखना है, बस ये अपने आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जेप्टो एंड योक्टो। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख देखते हैं जेप्टो जेडीपीटीओ एंड द लास्ट वन इज योक्टो। ये क्या होंगे, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट नहीं होंगे, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर। अब हमसे ये पूछ लिया जाए, वन मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो देखिए मिली का रिलेशन कितना, 10^-3 का है ना, सो आप राइट करेंगे 10^-3 मीटर। अगर हमसे पूछ लिया जाए 5 नैनोमीटर या नैनोग्राम ले लीजिए, इस पर 5 नैनोग्राम, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 5 इंटू नैनोग्राम का रिलेशन 10^-9, तो बस 10^-9 ग्राम, यानी ये नैनो हटा के ये वैल्यू रखेंगे और ग्राम को ऐसे लिख देंगे। अगर हमसे पूछ देगा 7 फेमटो लीटर, तो देखिए फेमटो का रिलेशन कितना है, 10^-15, तो आप लिखेंगे 7 इंटू 10^-15 लीटर। समझ में आ गया, कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, बस ज़्यादा नहीं है, अब बस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, वन योटाग्राम, व्हाट इज दिस, वन योटाग्राम, तो योटा का रिलेशन अभी देखा था हमने एकदम ऊपर था, कितना था, 10^24, तो देखिए 10^24 ग्राम, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 पीकोमीटर, तो देखिए पीकोमीटर, बस यहां से रिलेशन देख लीजिए, पीको का कितना दिया है, 10^-12, ओके ये यहां पे जो दिया है ये देखिए, ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी यानी पेटा, तो 5 पेटा मीटर, तो पेटा का रिलेशन कितना होता है, 10^15, तो बस आप क्या लिख देंगे, 5 × 10^15 लिख देंगे। अगर ये 5 पीकोमीटर होता, कैसे पता चलेगा पीकोमीटर है, तो देखिए ऐसा लिखा होता 5 पीकोमीटर, ऐसे स्मॉल पी, तो आप क्या लिखते हैं 5 इंटू पीको का रिलेशन होता है -12 का, -12 मीटर। समझ में आ रहा है, कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए 17 नैनोमीटर, बहुत सिंपल है, 17 को 17 लिख दिया आपने, नैनो का रिलेशन होता है 10^-9, तो आगे आंसर 17 × 10^-9। अब आपको होमवर्क है, और होमवर्क के साथ साथ आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस प्रैक्टिस करना है। देखिए ये कितना 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, तो आप होमवर्क जरूर ट्राई करेंगे, और आंसर हम आपको अगली क्लास में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि सेकेंड लेक्चर में आपको आंसर उसका मिल जाएगा। देखिए ये फिर से हमने एटॉमिक मास दिया है, आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो हमने वैल्यू करेक्शन कराई है आपको वो याद रखना, ये 39.9 एग्जैक्ट है, हमें 39.9 नहीं याद रखना है, हमें क्या याद रखना है इसको 40, तो जो हम पीछे करेक्शन कराए आपको वही करेक्शन वैल्यू याद रखनी है। क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।